दोस्तों लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरना पे आई। आप पीछे भीड़ देख रहे होंगे, कितना भयंकर भीड़ है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मीडिया भी आती है। और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि अगर आप आते हैं तो एकदम बहुत शक्ति होती है। और हम लोग जायज मांगे मांग रहे हैं। और बात करें फ्रेंड्स की, हमारी मांगे बहुत जल्द पूरी होने जा रही हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करेगा, आगे हम आपको दिखाते हैं सारी। आदित्य भाई को इस फैसले तक पहुंचाते हुए फूल मालाओं से लाद देंगे कि भाई हमारे लिए इतना बड़ा काम, इतना जोरदार स्वागत करेंगे कि शायद जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं उनको भी याद आ जाएगा। जिसने हमारे लिए रास्ता दिखाया, आज हम कृपा से कर्मचारियों को भविष्य को लेकर के आज इस ईको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। साथियों, कहना चाहता हूँ उन भाइयों से जो आसमान में पैसे हुए नहीं आ रहे हैं, तो उसे बताना चाहता हूँ और बता दीजिएगा, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के रुकने से नहीं मतलब होता है, उसको भी आसमान में चीर कर दिखाना पड़ता है। तो तुम ऐसे कह रहे हो कि हम आसमान में पैसे रहेंगे हमारी मांग मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी आसमान में और इस धरना प्रदर्शन में आना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक किसान था, उसने उसकी खेती जब नुकसान हो जाती थी तो उसको बहुत ही कष्ट होता था। कहता था कि भगवान ने हमारी खेती को बहुत नुकसान कर दिया। काफी दिनों तक उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद जब भगवान उससे प्रकट हुए और उसने कहा कि बताइए आपकी क्या मांग है, तो किसान ने कहा साहब, जिस प्रकार से हम चाहते हैं खेती होने का, हमारी खेती नहीं होती है। लेकिन भगवान ने उसके किसान के परिश्रम से और जो तपस्या कर रहा था उससे वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आपका हम बात मान लेंगे। किसान ने बहुत खुश रहा, कहा साहब, हम जिस प्रकार चाहेंगे उसी प्रकार से हमारी खेती होगी। एक जाओ तुम उसी प्रकार से अपनी खेती करना जिस प्रकार से तुम चाहोगे। किसान ने गया खेत पे, उसने कहा कि आज हमारे खेत में बुआई हो जानी चाहिए। उसने जुताई किया और बुआई किया। फिर कुछ दिन के बाद गया, कहा कि हमारी सिंचाई हो जानी चाहिए खेत की। भगवान ने कहा यो मस्त, सिंचाई भी हो गई। फिर और कुछ दिन के बाद खेत में गया, कहा भगवान इसमें फसल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहा वो भी हो जाएगी, चलिए ठीक है। और बरसात हो जाए, बरसात भी होने लगी। साथियों, जब फसल उसकी उग गई, बड़ी हो गई और जब उसमें बाल निकला तो किसान बहुत खुश हुआ और गया, उसको हाथ लगाया तो उसने देखा कि हमारे जो भी बाल उसमें निकली थी उसमें एक दाना भी नहीं लगा था। फिर इसके बाद किसान ने फिर भगवान के पास पहुंचा। किसान ने कहा क्या हुआ? कहा साहब, हमारे इस किसान धान रहे थे, इसमें एक भी दाना नहीं पैदा हुआ। उसने कहा साथियों कि जब आधी तूफान से नहीं लड़ सकते हो तुम, जो फसल जो पेड़ पौधे आधी तूफान से नहीं लड़ेंगे तो उसमें दाल क्या लगेगी, इसलिए उसमें बाल ही लगा। साथियों, अगर आप लड़ाई लड़ने हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। जो पेड़ उखड़ना था वो उखड़ गए, लेकिन जो लगे हैं उसमें बाल जरूर लगेगी। आपको जरूर खुशहाली आएगी, आपके परिवार में जरूर खुशहाली आएगी। कौन कहता है छल्लू में पानी रुक नहीं सकता यारो? कौन कहता है छल्लू में पानी रुक नहीं सकता यारो? बस होने तक उसको इंतजार कीजिए साथियों। धन्यवाद साहब।
आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, हम अपनी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से हमारा समर्थन मिल रहा है और बाहरी लोगों से मिल रहा है, उसके लिए हम लोग बधाई के पात्र हैं। और आप लोग जिस प्रकार से यहाँ बैठे रहते हैं, समय देते हैं, उसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। सर, आप लोग के जो हुनर दिखाया है, जो धरने में प्रदर्शन किया है, शायद हमने कभी नहीं देखा है। हमने 2 महीने धरने पर दिया है, विधानसभा का घेराव भी किया है, लेकिन साथियों, जो हुनर आप लोगों के अंदर मिला वो शायद आज तक कभी देखने को नहीं मिला। इसके लिए आपको भरपूर बधाई देता हूँ। अगर हमारी जल्द ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही हम आदित्य भाई और हमारी मोटिवेशन टीम जरूर वर्षा के लिए जाएगी और खुश होकर आएगी। धन्यवाद साथियों। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। जय हिंद, जय भारत।